दोस्तों, इसमें बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को का समावेश है। कृपया शुरू से अंत तक देखें। आज यदि अंतिम में अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ये रेलवे NTPC और रेलवे ग्रुप डी सबके लिए लाभदायक है। देखिए आगे प्रश्न नंबर 1, फाइकोलॉजी अध्ययन है किसका? 4 विकल्प हैं, शैवालों का, कवकों का, पुष्पों का या फलों का। फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है दोस्तों, बताइए? शैवालों का, कवकों का, पुष्पों का या फलों का? तो फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन है। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी बोलते हैं। अब कवक वाला क्या है? तो कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। अब पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी, अब फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। इसलिए इसका सही आंसर हुआ ए, शैवालों के अध्ययन फाइकोलॉजी है। प्रश्न नंबर 2, मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? 4 विकल्प है, पहला राना टाइग्रीना, दूसरा बोस इंडिकस, तीसरा फेलिस डोमेस्टिका, चौथा मुस्का डोमेस्टिका। नहीं 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 दोस्तों, ध्यान दें, मक्खी का वैज्ञानिक नाम मुस्का डोमेस्टिका है, यानी सही आंसर है डी। लेकिन ध्यान दें, विकल्प ए है राना टाइग्रीना, तो राना टाइग्रीना जो है मेढक का वैज्ञानिक नाम है, बी है बोस इंडिकस, बोस इंडिकस गाय का वैज्ञानिक नाम है, सी नंबर है फेलिस डोमेस्टिका, फेलिस डोमेस्टिका बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है, मुस्का डोमेस्टिका मक्खी का है। क्वेश्चन नंबर 3, जीव द्रव्य में सबसे अधिक पाया जाता है क्या चीज? ऑक्सीजन या कार्बन, या सी नंबर हाइड्रोजन, या डी नाइट्रोजन। तो चारों ऑप्शन में से इसका ए ऑप्शन सही है, ऑक्सीजन। जीव द्रव्य का 99% भाग ऑक्सीजन, 99 नहीं, जीव द्रव्य तो 99% बना ही होता है, ऑक्सीजन 76% होता है, कार्बन 10.5% होता है, हाइड्रोजन 10% होता है, तथा नाइट्रोजन जो होता है 2.5% होता है लगभग। तो अगला प्रश्न, यानी इसका सही आंसर ऑक्सीजन हुआ, क्योंकि 76% जीव द्रव्य में वही होता है ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दें, प्रोकैरियोटिक कोशिका के लिए क्या सही है? ए नंबर विकल्प है, यह सेल्यूलोज की बनी होती है, सही है? यह सेल्यूलोज की बनी होती है? नहीं नहीं दोस्तों, सही नहीं है। क्यों? सेल्यूलोज की कौन सी बनी होती है? यह तो यूकैरियोटिक कोशिका सेल्यूलोज की बनी होती है। बी नंबर, यह प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। हाँ, प्रोकैरियोटिक कोशिका प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। सी नंबर, इसमें गलजिकाएँ उपस्थित होते हैं? नहीं, इसमें गलजिकाएँ अनुपस्थित होते हैं, उपस्थित नहीं होते हैं। डी नंबर, इसमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित होता है? नहीं, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है। ध्यान दीजिए कि प्रोकैरियोटिक कोशिका प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, इसलिए बी आंसर हुआ। और यूकैरियोटिक सेल्यूलोज की बनी होती है, यूकैरियोटिक में गलजिकाएँ और केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, ठीक, प्रोकैरियोटिक में नहीं। अच्छा, अगला प्रश्न, आत्मघाती थैली कहा जाता है, किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को, कि माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया को, कि राइबोसोम को, या इनमें से किसी का? नहीं। तो दोस्तों ध्यान दे, 5 का आंसर है ए, ठीक, ए है, यानी लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज जो है डी डूबे ने किया था। इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं और इसे आत्महत्या की थैली भी कही जाती है। और बी नंबर विकल्प है माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कोशिका की शक्ति केंद्र कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका की शक्ति केंद्र। इसका सही आंसर था ए, लाइसोसोम, इसको आत्मघाती थैली कहते हैं। अब बचा राइबोसोम, राइबोसोम राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी RNA और प्रोटीन की बनी होती है, राइबो न्यूक्लिक एसिड के, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, राइबोसोम को, यानी लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल यानी कोशिका के शक्तिगृह, और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री। अगला 6 नंबर प्रश्न, मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? ए नंबर विकल्प है 2, बी नंबर 14, सी नंबर 46, डी नंबर 78, और इसमें एक और विकल्प बढ़ गया है ई 80। तो दोस्तों ध्यान दें, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी यानी 46 होती है। तो ये सब क्या है? ए नंबर विकल्प है 2, 2 किस में होता है? एस्केरिस में, एस्केरिस में 2 गुणसूत्र होते हैं। बी नंबर विकल्प है 14, 14 किस में होता है? मटर में 14 गुणसूत्र होते हैं। ऐसी तो 46 23 जोड़ा मनुष्य में होता ही है। डी नंबर 78, 78 किस में होता है? कुत्ता में, कुत्ता में 78 गुणसूत्र होते हैं। ई नंबर 80, 80 किस में होता है? कबूतर में, कबूतर में
अधिक होता है 80, लेकिन इससे भी ज्यादा टेरिडोकाइटस में 1300 से 1600 गुणसूत्र होता है। अगला प्रश्न 7 नंबर, इसमें कौन सा लिंग सहलग्न गुण नहीं है? गंजापन, मायोपिया, मेनोजाइटिस, हाइपरट्राइकोसिस, इनमें चारों विकल्प में कौन सा लिंग सहलग्न गुण नहीं है, यानी कि अनुवंशिक गुण, इसे अनुवंशिक रोग तरह के समझिए, कौन सा नहीं है अनुवंशिक रोग। तो ये जान लीजिए कि लिंग सहलग्न रोग में वर्णांधता, रंग वर्णांधता जो कलर विजन होता है, गंजापन, हिमोफेलिया, मायोपिया, हाइपर ट्राइकोसिस इत्यादि आता है, ठीक, लेकिन इसमें मेनोजाइटिस नहीं आता है। मेनोजाइटिस तो मस्तिष्क की बीमारी है दोस्तों। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 8, एस्पर्जिलिस फ्यूमिगेटस नामक कवक से कौन सी बीमारी होती है? दाद होती है या दमा होती है, खाज होती है, गंजापन होती है? तो दोस्तों ध्यान दें, एस्पर्जिलिस फ्यूमिगेटस टेढ़ा नाम होता है इसका ना, एस्पर्जिलिस फ्यूमिगेटस नामक कवक से, ही कवक का नाम है, इससे दमा होती है। कौन सी बीमारी होती है? दमा। दोस्तों ध्यान दें, एस्पर्जिलिस फ्यूमिगेटस नामक कवक से दमा होती है। ए नंबर विकल्प है दाद, बी नंबर दमा, सी नंबर खाज, डी नंबर गंजापन। तो दाद किससे होता है? तो जानते हैं दाद ट्राइकोफाइटान लेस कोस से होती है, ट्राइकोफाइटान लेस कोस से दाद होती है, और दमा जो होती है एस्पर्जिलस फ्यूमिगेटस से ही होती है, खाज जो होती है खाज एकेरस एस्केबिज से होती है, और गंजापन जो है टीनिया केपिटिस से होता है। ये सब कवक का नाम है। अगला प्रश्न, एरिल खाने योग्य भाग होता है किसका? एरिल किसका खाने योग्य भाग होता है? ए ऑप्शन है अनानास का, बी नारियल का, सी सेब का, और डी नारंगी का। ई भी विकल्प है दोस्तों, लीची का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ई, लीची का। लीची का एरिल खाया जाता है, और अनानास का क्या खाया जाता है? परिदल पुंज। नारियल का क्या खाया जाता है? भ्रूण पोष। सेब का क्या खाया जाता है? सेब का पुष्पासन खाया जाता है। नारंगी का जूसी हेयर खाया जाता है, लेकिन लीची का एरिल खाया जाता है। अगला प्रश्न 10 नंबर, तांबे की कमी से होती है, क्या होती है, कौन सी रोग? ए नंबर विकल्प है नींबू में डाइबैक रोग, बी नंबर मटर में मार्स रोग, सी नंबर धान में खैरा रोग, डी नंबर आंवले में निक्रोसिस रोग। तो ध्यान दे, इसका सही आंसर ए हुआ, नींबू में डाइबैक रोग। तांबा के कमी से नींबू में डाइबैक रोग होता है। लेकिन बी नंबर क्या है? मटर में मार्स रोग, ये किससे होती है? मटर में मार्स रोग मैग्नीज की कमी से होती है। सी नंबर है धान में खैरा रोग, धान में खैरा रोग जस्ता की कमी से होती है। डी नंबर है आंवले में निक्रोसिस रोग, आंवले में निक्रोसिस रोग बोरोन की कमी से होती है। अगला प्रश्न है 11 नंबर, आरबीसी का निर्माण होता है कहाँ होता है दोस्तों? ए नंबर अस्थि मज्जा में, बी नंबर यकृत एवं प्लीहा में, सी नंबर प्लीहा में, डी नंबर लिम्फो नोड में। ध्यान दे दोस्तों, आरबीसी रेड ब्लड सर्कुलेशन, तो आरबीसी लाल रक्त कण का निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होती है। ए नंबर इसका सही आंसर है, आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में। लेकिन 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 ध्यान दीजिए, भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत एवं प्लीहा में ही होती है। बी नंबर यकृत एवं प्लीहा में, वो कब होगा? जब भ्रूण अवस्था का प्रश्न रहे तब। इसका तो सही आंसर ए ही है, अस्थि मज्जा। और सी नंबर क्या है? प्लीहा में। तब प्लीहा में क्या होता है? उसमें रक्त बिम्बाणु जो होता है, ब्लड प्लेटलेट्स जिसको बोलते हैं, उसकी मृत्यु होती है। ब्लड प्लेटलेट्स बोलते हैं या थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, उसकी प्लीहा में मृत्यु होती है। प्लेटलेट्स ही घटने से तो डेंगू ज्वर पकड़ता है, डेंगू नामक बीमारी, डेंगू मच्छर जो करता है। अच्छा, अगला है लिम्फोनोड। तो लिम्फोनोड में क्या होता है? देखिए लिम्फोनोड में ये सब नहीं होता है, लेकिन जो WBC है, व्हाइट ब्लड सर्कुलेशन यानी श्वेत रक्त कण, वो अस्थि मज्जा, लिम्फोनोड, कभी कभी यकृत एवं प्लीहा में भी बनती है। तो वो जो है अस्थि मज्जा लिम्फोनोड में बनता है। इसका आंसर था अस्थि मज्जा में, आरबीसी में। अगला प्रश्न 12, लार से संबंधित एंजाइम है लार से। ए नंबर विकल्प पेप्सिन एवं रेनिन, बी नंबर ट्रिप्सिन एवं लाइपेज, सी नंबर
टाइलिंग एवं माल्टेज डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे होगा कि इनमें से कोई नहीं, इसी में से होगा। लेकिन 12 कौन सा आंसर होगा, तब 12 का सी होगा। सी यानी लार में टाइलिन एवं माल्टेज पाया जाता है। तो ए नंबर विकल्प है पेप्सिन एवं रेनिन, ये किस में पाया जाता है, ये जठर रस से निकलता है पेप्सिन एवं रेनिन। बी नंबर विकल्प है ट्रिप्सिन एवं लाइपेज, ये कहाँ पाया जाता है, ट्रिप्सिन एवं लाइपेज अग्न्याशय रस से निकलता है। सी नंबर है टाइलिन और माल्टेज, तो टाइलिन एवं माल्टेज जो है ये लार से निकलता है। अगला प्रश्न 13 नंबर, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है। विकल्प ए नंबर राइबोफ्लेविन, बी नंबर निकोटिनामाइड यानी नियासिन, सी नंबर पेंटोथेनिक अम्ल, डी नंबर पायरिडॉक्सिन, ई नंबर पांचवा विकल्प इसमें भी है बायोटिन। लेकिन ध्यान दें दोस्तों, विटामिन B3 का क्या होगा जानते हैं, इसका आंसर बी हुआ, निकोटिनामाइड। इसको नियासिन भी बोलते हैं, विटामिन B3 का रासायनिक नाम निकोटिनामाइड नियासिन। और ए नंबर विकल्प है राइबोफ्लोमिन, ई क्या है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोमिन, B3 का निकोटिनामाइड नियासिन, B5 का पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक अम्ल विटामिन B5 का है, पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन, और विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, प्रतिरक्षा प्रणाली WBC क्षेत्र का प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है, कौन सी बीमारी करता है, एड्स या ट्रेकोमा या हेपेटाइटिस या मेनोजाइटिस। तो प्रतिरक्षा प्रणाली को हो यानी श्वेत रक्तकण को तो एड्स ही प्रभावित करता है। इसका पूरा नाम है एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये HIV नामक वायरस से होता है। और बी विकल्प है ट्रेकोमा, ट्रेकोमा तो आँख की बीमारी है। सी विकल्प है हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस यकृत को प्रभावित करता है। और डी विकल्प है मेनोजाइटिस, ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर था ए, एड्स। अगला प्रश्न, कालाजार का वाहक मच्छर है, कौन सा मच्छर कालाजार को फैलाता है। ए नंबर है मादा एनोफिलीज, बी नंबर सीसी मक्खी, सी नंबर बालू मक्खी, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, कालाजार फैलाने वाला मच्छर सी बालू मक्खी है। ये मक्खी लिखा है लेकिन ये मच्छर का नाम है बालू मक्खी। तो बालू मक्खी जो है ये कालाजार को फैलाती हैं। ए नंबर भी इसका सही आंसर सी हुआ, ए नंबर विकल्प था मादा एनोफिलीज। मादा एनोफिलीज मच्छर जो है, एनोफिलीज के मादा जो होती हैं मलेरिया को फैलाती है। यह तिली और RBC को प्रभावित करती हैं। बी नंबर सीसी मक्खी है, सीसी मक्खी सोने की बीमारी लाती है, ये मस्तिष्क को प्रभावित करती है। और सी बालू मक्खी जो है कालाजार लाती है, यह अस्थि मज्जा को प्रभावित करती है। 16 नंबर प्रश्न, बैक्टीरिया की खोज किसने की, बैक्टीरिया की खोज किसने की। ए नंबर विकल्प लिवेनहक, बी नंबर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी नंबर एडवर्ड जेनर, डी नंबर क्रिश्चियन बर्नार्ड। तो 16 का सही आंसर ए हुआ, लिवेनहक। बैक्टीरिया यानी जीवाणु, जीवाणु की खोज लिवेनहक ने किया। देखिए, लिवेनहक बैक्टीरिया जीवाणु की खोज किया। अभी विकल्प है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो पेनिसिलिन की खोज किया है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या किया है, पेनिसिलिन की खोज। सी नंबर है एडवर्ड जेनर, उन्होंने चेचक की टीका का खोज किया है एडवर्ड जेनर ने। डी नंबर है क्रिश्चियन बर्नार्ड, क्रिश्चियन बर्नार्ड हृदय प्रत्यारोपण का खोज किया है। तो इसका बैक्टीरिया यानी जीवाणु का खोज लिवेनहक सही आंसर है, ए नंबर। 17 नंबर प्रश्न, कौन सी बीमारी जीवाणु से होती है। ए नंबर विकल्प टाइफाइड, बी नंबर डेंगू ज्वर, सी नंबर चेचक, और डी नंबर पायरिया। तो 17 का सही आंसर हुआ ए नंबर, टाइफाइड। टाइफाइड जीवाणु से होती है। और डेंगू ज्वर और चेचक जो है, डेंगू ज्वर और चेचक विषाणु से होती है। और पायरिया जो है परजीवी यानी प्रोटोजोआ से होता है। तो दोस्तों ध्यान दें, इसका जीवाणु से होने वाला क्या है, टाइफाइड। जीवाणु से होने वाले मुख्य मुख्य रोग हैं टाइफाइड, टिटनेस, हैजा, डिप्थीरिया, निमोनिया, काली खांसी, ये सब टाइफाइड, ये सब जीवाणु से होते हैं। और डेंगू ज्वर और चेचक जैसे हैं विषाणु से होने वाले, इसमें मुख्य रोग आते हैं डेंगू ज्वर, चेचक, खसरा, ट्रेकोमा, रेबीज, मेनिंजाइटिस, ये सब विषाणु से होते हैं। और पायरिया, मलेरिया, काला ज्वर, पेचिसी परजीवी प्रोटोजुआ से होता है। अगला प्रश्न, कपाल में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं, 8, 6, 14, 29। तो इसका सही आंसर है 8, कपाल में 8 होती है। लेकिन 6, 14, 29 कहाँ की हैं, तो 6 कान में होती हैं, 14 फेसियल में होती है, 29 जो है पूरी सिर मिला दिया जाए तो 29 होती है सिर।
अगला प्रश्न 19 नंबर, सबसे छोटा टेरिडोफाइटा है कौन सा है टेरिडोफाइटा? ए नंबर विकल्प है आर्किड, बी नंबर बुल्फिया, सी नंबर ट्राइलियम, डी नंबर एजोला। तो दोस्तों ध्यान दें, 19 का सही आंसर डी है, एजोला। सबसे छोटा टेरिडोफाइटा एजोला है। आर्किड क्या है? आर्किड सबसे छोटे बीज हैं। बुल्फिया क्या है? सबसे छोटा पुष्प है बुल्फिया। ट्राइलियम क्या है? ट्राइलियम सबसे लंबे गुणसूत्र हैं। और एजोला सबसे छोटा टेरिडोफाइटा है। अंतिम क्वेश्चन नंबर 20, अर्धसूत्री प्रथम विभाजन में कितने अवस्थाएं होती हैं? 1, 2, 3, 4। तो अर्धसूत्री प्रथम विभाजन में 4 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। दोस्तों इस तरह से प्रत्येक दिन में हर विषय का अलग अलग प्रश्नों का संग्रह डालता रहूँगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।